मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्चतम न्यायालय के ईवीएम से संबंधित निर्णय को लेकर कहा है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय विपक्ष के लिए करारा तमाचा है। डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि आज आप सब ने देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने बड़ा निर्णय लिया है। ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर फैसला लिया गया है, यह विपक्ष पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जिस ढंग से बात करते हैं, अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर डालते हैं तो कभी किसी पर डालते हैं, यह दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी ने आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं में निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएँ थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सभी के रिजल्ट होशंगाबाद सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया, ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।